क्या सच में आपने अपनी पत्नी से धोखे से शादी की है? ये सच है। अखिलेश पांडे हाय हाय। अखिलेश पांडे हाय हाय। सबसे पहले इस औरत को सजा मिलनी चाहिए जिसने जानबूझकर अपने नामर्द बेटे की शादी एक मासूम लड़की से करा दी। रुक जाओ, आज अगर तुम ना ही होती ना तो पता नहीं कहाँ मर्द हो जाता बेटे। आपकी दुल्हन आ गई है ने? अभी ये आपकी दुल्हन आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। हम दोनों के बीच रिश्ता बन चुका है। और हमका ऐसा रिश्ता समझ में नहीं आता जिसका कोई नाम ना हो। दोस्ती, क्या तुम इस दोस्ती को अपनाओगे? अखिलेश, मैं एक डॉक्टर हूँ। शरीर पर अगर घाव हो जाए तो मैं उसे मलहम लगा सकती हूँ, लेकिन अगर दिल पर चोट लग जाए तो उसे मिटाने का काम तो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड ही कर सकता है। सोचो मत अखिलेश, कभी ना कभी लाइफ में हम दोनों के दिलों को एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होगी। छोकरी के बारे में सोचने की, तेरी औकात भी है मेरी छोकरी के सपने देखने की? नहीं राजी, ये रिश्ते को आप बेनाम ही रहने दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों की कोनो बराबरी नहीं है। दोस्ती भी बराबरी लोगों के बीच में ही होती है राजी, और हम आपके लायक भी नहीं। आप एक डॉक्टर है और हम आठवीं फेल है। आप शहरों में पली पड़ी है और हम गांव की मिट्टी में। कल आप एक ऑपरेशन करके लाखों कमा लेंगे, लेकिन हम 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी है ना, महीने भर का राशन भी नहीं ला पाएंगे। हम दोनों का कोई तालमेल नहीं हो सकता है राजी। बराबरी डिग्री या तनख्वाह की नहीं होनी चाहिए अखिलेश, बराबरी सोच की, इज्जत की और उसूलों की होनी चाहिए। नहीं, आप ये रिश्ते को गलत नाम दे रही है। ये रिश्ते का केवल एक ही नाम हो सकता है, वह मजबूरी। और ये मजबूरी वाला रिश्ता हम तब तक निभाएंगे जब तक हमारी नसबंदी पलटने का ऑपरेशन नहीं हो जाता है राजी। उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। लेकिन अखिलेश। नहीं राजी, मजबूर रिश्ते को और कोई नाम देने पर मजबूर नहीं कीजिए हमका। बेस्ट फ्रेंड माना है मैंने तुम्हें अखिलेश, तो क्या हुआ थोड़ी जिद्दी हो? तो तुम अपनी जिद में इस मजबूरी के रिश्ते को निभाते रहो और मैं उतनी ही जिद से ये दोस्ती निभाती रहूंगी। You know what? What? I think we need like a good astrologer. ये हमारे प्लैनेट्स, हमारे स्टार्स सब गड़बड़ हो रहे हैं, वरना ये रिपोर्टर वाला प्लान बिल्कुल फेल नहीं होता। I know. Great, mom. इसका मतलब अब वो रिपोर्टर मेरी शादी भी कवर नहीं करेगी, राइट? I think so. एक तो पहले ही मेरी शादी गरीबों जैसे हो रही है, ऊपर से नो प्रेस कवरेज। ये सब कुछ उस सीनियर गवार की वजह से। काश मैंने उस दिन उसको सीढ़ियों से धक्का ही दे दिया होता। Crazy. What the hell is this damn Pushpa? अरे कहाँ है पुष्पा? सॉरी। ये मुरली मनोहर, हमारी दुल्हन का साथ हमेशा हमारे गुलू के जीवन में बनाए रखना। आपको पता है आज अगर दुल्हन ना ही होती ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। धन्य है हम जो ऐसी दुल्हन पाई है। देखो पुष्पा, अब
बहुत बहुत तकलीफ होने लगी है. It's getting very tough for me to manage everything. It's getting really really troublesome. So क्या हुआ, क्या है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है. पैसे दे दो. तो ऐसे बोलो ना, कब मना किया का तुमका? लो लो लो. Mom, seriously? ये चेंज ना तुम रखो. You keep the change. मेरी इकलौती बेटी की शादी है. I want 5 million rupees. 5 million. 50 lakhs. अभी के अभी मैनेजर को फोन करो और 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो. अरे मोरी गंगा मैया, 50 लाख? देखो देवीना, तुमने कद्दू की शादी वैसे हो गई जैसे हमारी गुल्लू की हुई, सीधी और सरल. Don't act too over smart, okay? Don't act too over smart with me. तुम पैसे दे रही हो या नहीं? धमकी दे रही हो हम का? क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? बताती हूँ मैं क्या कर लूंगी. I will take you to court. Court. What is this? आज तक ये बात कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंची ना, अब पहुंचेगी. I will see you in court. कचहरी जाना चाहती हो? Yes. हाँ? तो जाओ ना, हम डरते हैं का? किसी के बाप से नहीं डरते हम. मैं भी किसी के डैड से नहीं डरती हूँ, अंडरस्टैंड? ठीक है ना? अरे माम, अम्मा, कहाँ घर हैं आप दोनों? क्या बात, कहा एक दूसरे से ऐसे कहा भीड़ रही है? ड्यू बेटे, पानी सर से ऊपर उठ चुका है. अरे डूब चुकी है. शट अप. मैं अपने ही घर में अपने ही पैसों के लिए इसकी मोहताज हो चुकी हूँ. आई कैनॉट टेक दिस एनीमोर. देखिए माम, हम जानते हैं कि आप छोटे के ब्याह को लेके चिंतित है, लेकिन हमका एक बार नौकरी मिल जाने दीजिए. हमका जो भी रुपया पैसा मिलेगा ना, हम सबसे पहले छोटे की ब्याह में लगाएं. लिसन, तुम्हारी चौकीदार की नौकरी से पैसे आते आते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा. एग्जैक्टली. अरे देवर जी, पांडे जी कोशिश तो कर रहे हैं. तुम बीच में मत आओ. छोटे शांत हो जाइए. देखिए, इस संकट का हमने एक उपाय खोज निकाला है. अच्छा, क्या है आपका ब्रिलियंट उपाय, बताइए जरा. ओ सिड, कम ऑन, इनके पास कोई उपाय कुछ नहीं है. नो सॉल्यूशन. हमें सर्कल्स में घुमा रहे राउंड एंड राउंड. देखा ना तुमने? I'm so sorry. I'm so sorry, Mr. Singhania. Don't be sorry. Please, improve yourself. Please, hamesha ki tarah. Singhania sahab, namaste. Namaste, beta. Akhilesh, achanak mujhe yahan kaise bulaya tumne? Darasal, Singhania sahab, aapse kono baat karni thi. Wo kahe Singhania sahab, hamare ghar ki aarthik sthiti hai na, ये थोड़ी खस्ता है. देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई और सनाया जी का ब्याह है ना, वो धूमधाम से हो, लेकिन इस समय हमारी उतनी हैसियत नहीं है. हमारी आपसे विनती है कि ये ब्याह के लिए हमका थोड़ा और महीने दे दीजिए आप. हम पाई पाई इकट्ठा करेंगे और धूमधाम से इसका ब्याह करेंगे. ओह रियली? और कैसे हेल्प करोगे? जॉब तो नहीं है तुम्हारे पास? व्हाट? अभी तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है बेटा? तुमने मुझे बताया नहीं. सिंघानिया साहब, आपके पहले से हम पर बहुत उपकार है. वैसे भी आपने हमारी बहुत सहायता की है. हम खुद ही मेहनत करके नौकरी ढूंढ लेंगे. अरे पांडे जी, सिंघानिया साहब जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना. सिंघानिया साहब ये ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती है. कोई भी बल शरीर का काम होता है ना, तो ये ऐसे फटाक से कर देते. अखिलेश, मेरे जिम में मुझे एक पर्सनल ट्रेनर की जरूरत है. ये काम तुम अच्छी तरह कर सकते हो बेटा. ट्रेनर? अरे ट्रेनर पांडे जी, वो जो व्यायाम और कसरत करना सिखाते हैं ना, वो. इसको सब कुछ बड़ा पता होता है? As always, mom. देखो बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे जिम में काम करोगे. इनफैक्ट ये काम तुम कल से शुरू कर सकती हो. पुष्पा बहन, चलता हूँ. नमस्ते. Let's go, kids. Hey, Gullu, dekha, sab Murli Manohar ki kripa hai. Kya zarurat thi Singhania sahab ke samne muh kholne ki? Are ye acha lagta hai ka?
छोटे भाई के ससुर जी से उपकार पर उपकार ले रहे हैं। अरे वो तुम पे कोई उपकार पे उपकार नहीं कर रहे, वो तो बस बीच वो तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे, वो तो बस बिजनेसमैन है और वो वैसे ही सोच रहे हैं। तुम पसंद हो उन्हें अखिलेश, और तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर भी अखिलेश, अगर उनको उपकार करने ही होते ना तो वो आदि को चेयरमैन नहीं बना देते। फिर भी हमरी उठे छूटे सिफारिश नहीं किया कीजिए। मैं तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रही थी। आपका दोस्ती दिवस समारोह फिर से शुरू हो गया का? तो मैं तुम्हारी दोस्त बन चुकी हूँ ना, तो अब दोस्त बन ही चुकी हूँ तो झेलना तो पड़ेगा ने, हाँ पांडे जी। ये ऐसी दोस्त हो तो दुश्मन की कहाँ जरूरत है। बंद कर रहे हो का? अरे भैया आपके लिए सारे रात खुला रखूं, आपको क्या अदरक वाली चाहिए? हाँ। अरे अखिलेश भैया आप यहाँ? आप तो चाय पीते नहीं हो। आज कछु कड़क पीना बहुत ही जरूरी है भाविक। हमरे पापों की सजा हमरी अम्मा को मिलते मिलते रह गई है आज। रुक जाओ। ये तो सही समय पे इराजी आ गई, वरना अनर्थ हो जाता। पर एक बात कहें, ये हमारी जिंदगी में जो उथल पुथल हो रहा है ना, इलाजी की वजह से ही तो हो रहा है। वो की एक हानि ने हमारी जिंदगी की काया पलट दी। ट्रस्ट मी अखिलेश भैया, ईरा के मन में आपके और पुष्पा आंटी के लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है। वो तो और भी जल्दी आ जाती, लेकिन क्या हुआ भैया, ऑटो की रोक दिया? भाई सारा रास्ता खोद डाला है, पता नहीं ये रास्ता कब खुलेगा। मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए। देखा देखा भाविक, भाविक एक और साइन, मैं बता रही हूँ, मुझे पता नहीं भगवान ये सब इशारे क्यों दे रहा है। मैं बता रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है, अखिलेश ठीक नहीं है। उसे पता नहीं कैसे कोई अंदर की आवाज ये बता रही थी कि आप मुसीबत में हो। अरे ईरा, ईरा मेरी चप्पल टूट गई। देखा, अब बोल ये कोई सिग्नल नहीं है। आज ना मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू ये झूठी शादी का नाटक करते करते ना सच्ची की चंचल बहू बन गई है। अब तू ये तो नहीं बोलेगी नहीं कि अखिलेश जी बहुत मुसीबत में हैं, मैं इस कड़कती धूप में नंगे पैर चल के उनके लिए तपस्या करूंगी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पे कोई भूत सवार है कि किसी भी हालत में वो आपके और पुष्पा आंटी के लिए घर वापस आना चाहती थी। फिर वो सीधी घर काहे नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं थी भैया, उसका बीपी बढ़ गया था, मुझे जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ये बीपी की मेडिसिन जी सर, इसको दो। और तुम्हें आराम की सब जरूरत है, फोन की नहीं। सर प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मुझे मैं किसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तुम्हारे हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई फोन कॉल नहीं है। अरे हमका फोन करती होती। बहुत कोशिश की थी भैया, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। अखिलेश मेरी टीम रेडी है, हम इंटरव्यू शुरू करें। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि तू बेकार में ड्रामेटिक हो रही है, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। भाविक अखिलेश मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है वहाँ। नहीं रा, रिलैक्स। जरूर कुछ हुआ है वहाँ। वो तो डॉक्टर की भी बात नहीं मानने को रेडी थी। इरा तुम्हारा बीपी अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम्हारी स्ट्रेस कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, तुम्हें सेडेट करने के लिए इंजेक्शन देना होगा। सर मेरी बात सुनिए, भाविक मेरी बात, सर आई एम सॉरी सर। इरा आप मानो या ना मानो अखिलेश भैया, ईरा आपकी और पुष्पा आंटी की बहुत फिक्र करती है। ये भी चाय। ईरा जी हमरी इतनी चिंता करती है और हमने एक बार भी उनका धन्यवाद नहीं किया। एक नंबर के गधे हैं हम।
उइरा जी। अरे 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 उठिए, अरे उठिए, अरे हाँ क्या है, अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा। अच्छा खासा रणवीर सिंह के साथ सालसा कर रही थी। ये खेल जी सालसा करेंगे तो मुगलों के साथ युद्ध करने को हम जाएंगे का? चलिए उठिए, वो नौकरी दिलाने के लिए हमका धन्यवाद करना है आपका। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, मैंने प्यार क्या नहीं देख। अच्छा छोड़ो, हम धन्यवाद नहीं करेंगे, लेकिन उठिए, वो हमका आपकी मदद चाहिए। आज मैं चाय नहीं बना रही, तुम बनाओ। अरे चाय को मारिए गोली, कौन चाय पीना चाहता है। अरे आप, हम देखना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे ट्रेनर हैं। आप उठिए, हम आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, आइए। ठीक है। आइए। क्या? ट्रेनर तुम हो, मैं क्यों सूर्य नमस्कार करूं? अरे आप समझ नहीं रही। देखिए हीरा जी, अच्छा ट्रेनर वो होता है जो व्यायाम करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करे। इसलिए हमने ठान लिया है कि अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं सिखा पाए ना हम, तो हम चपट ट्रेनर हैं। अगर आपका अंगड़ाया लेकर बंद हो गया हो तो आइए हम मैदान में आ जाइए। और वैसे भी आप सूर्य नमस्कार सीखना चाहती थी ना, तो आइए ना। नहीं मेरा मूड नहीं है। ठीक है, तो ये बेफालतू में हमका बेस्ट फ्रेंड नहीं बुलाइएगा। अच्छा ठीक है, आइए वहां मैदान में आइए। कहाँ जा रही है? अब क्या सारी में सूर्य नमस्कार करूं? चेंज कर रही हूं। क्या अब क्या घूंघट लेके सूर्य नमस्कार करती? हमने कुछ कहा क्या? नहीं, चलिए शुरू हो जाइए। ये सबसे पहले हाथ जोड़िए और अब लंबी सांस लीजिए। अब तिरछी नजर से देखिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? चाय की चुस्की के बगैर आपका शरीर हिलता नहीं ना। चलिए हम आपको सिखाते हैं। ये अब जो सिखाया है ना वो 15 बार कीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए बेस्ट फ्रेंड माना है आपने हमका, करना तो पड़ेगा, शुरू हो जाइए। गई लीजिए, पसीना पोंछिए। चलो ई का मतलब हम अच्छे ट्रेनर तो है। अच्छे ट्रेनर जल्ला जल्ला हो तुम जल्लाद, एक दो बार और करती ना हाथ पैर टूट के गिर जाते। बहुत शौक था ना आपको एक तरफ दोस्ती निभाने का, तो अब हमका भी झेलिए। ये नई नौकरी के लिए तैयार हो गए जी? अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा डब्बा। और सुनो, दूसरों से अच्छी कसरत करवाना और वो अखाड़े के अबस्से की तरह किसी को उल्टी पट्टी नहीं पढ़ाना बताए रहे। ये बटवा दुल्हन कहाँ है, सुबह से नजर नहीं आई। हाँ मोटी बा आ जाओ बिटवा, कहाँ ऐसे कहाँ चल रही है? हाँ बिटिया
ऐसे जंग लगी हुई कैची की तरह काहे अटक अटक के चल रहे हो? कहाँ हुआ? हाँ? वो का? वो मोटी बा, वो पांडे जी। गुल्लू? नहीं नहीं, वो पांडे जी वो सूर्य नमस्कार सिखा रहे थे ने, तो अभी पूरा शरीर नमस्कार कर रहा है। काई? अब हम क्या कर रहे हैं अम्मा, सीखने का इतना शौक था तो सिखा दिए हम। अब कसरत करनी थी तो कुछ ऐसे करते जिससे घर में तीन चार लल्ले ना आते। हाँ? अच्छा अम्मा चलते हो, नौकरी के लिए देरी हो जाएगी हमका। ए, रुको तो, ये दही और शक्कर कौन खा के जाएगा, तुम्हारा मामा? हाँ, हाँ। हम कहे देंगे, दुल्हन देगी, है ना? ये लो। सूर्य नमस्कार। खिलाइए। अखिलेश खुद ही खा लो ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे अपने हाथों से खा ले हम? आपने हमका बेस्ट फ्रेंड माना है ना, तो हम तो अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों से ही खाएंगे। अखिलेश हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं यार, समझो ना। अरे धुतकार है आपकी दोस्ती पर, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए आप अपना हाथ नहीं उठा सकती का? मन तो बहुत कर रहा है कि आज तुम पे ही हाथ उठाओ अखिलेश। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। वो फिल्म का डायलॉग है ना, मैंने प्यार किया तो हम दोस्त है आपके, आपके हाथों से ही खाकर जाएंगे हम। आइए आइए, खिलाइए हमका, हाथ उठाइए अपना। अरे थोड़ा ऊपर कीजिए हाथ, हम ऐसे कैसे खाएंगे हम, थोड़ा यहाँ आइए। ये हुई ना बात, चलिए हम चलते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, उनका हाथ उठाकर टाटा बाय बाय नहीं कहेंगे आप? कोनो बात नहीं, हम ही कह देते हैं टाटा।